बारामूला जाने का डर लगता है थोड़ा सा। ट्रेन छूट जाएगी तेरी, बिल्कुल उसकी कॉपी लग रहा है। आईएएस की तैयारी करें। -3 का टेम्परेचर। सो हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग और वेलकम अगेन टू माय नेक्स्ट व्लॉग। और एक और दिन हमारा कश्मीर के अंदर, और देख रहे हो जैसे कि तैयार हो चुके हैं और चंद्र भैया तो पूरे के पूरे कश्मीरी बने हुए हैं, हॉट जो कि नहीं लग रहे। तो ब्रेकफास्ट भी करते हैं, उसके बाद निकलेंगे। और आज हमारा प्लान है बारामूला जाने का, ट्रेन से जाने का प्लान है। कैसे सर आप? डेफिनेटली मैं आपको रिकमेंड करूंगा, बहुत ही बढ़िया रेस्टोरेंट है। और यहाँ पे मैंने कई जगहों पे देख लिया कि एसी के अंदर ही हीटर चल रहा है, टू इन वन है। मतलब मैं सोचता हूँ, मैंने पहली बार देखा, आप लोगों ने देखा होगा तो कमेंट करना। ये देखो एसी चल रहा है, उसके अंदर हीटर चल रहा है। तो फटाफट खाते हैं, भूख बहुत तेज लग रही है। और हम अब यहाँ से जाने वाले हैं रेलवे स्टेशन। यहाँ से है मेरे ख्याल से 10-12 किलोमीटर। देखते हैं यार कैसे आना, मुझे भी नहीं पता। आए तो हम वहाँ से टैक्सी करके थे, जो कि अराउंड हमें शेयरिंग में पड़ी थी 60 रुपये पर पर्सन। और रेलवे स्टेशन जाने के लिए यहाँ पे सारे के सारे प्राइवेट ऑटो, प्राइवेट टैक्सीज वगैरह, जिनके रेट बहुत ज़्यादा हाई है यार, कोई 400, कोई 500। फिर आगे जाना है बारामूला, फिर वहाँ से आगे घूमना है, फिर वापसी आना है। मतलब ऐसे तो हमारा हो जाएगा काम, समझ रहे हो ना। तो अब देखते हैं यहाँ शेयरिंग का क्या ऑप्शन है और कैसे जाया जाए। चंद्र भैया ने चलते चलते सबको उंगली करते गए, तो आखिरी में हमें एक ऑटो फाइनल करा है और ये हमें लेके जा रहे हैं 150 में स्टेशन तक। यहाँ पे शेयरिंग वगैरह वो सुमोज वगैरह चलती हैं, आप चाहो तो वो जा सकते हो, पर टाइम बचाना तो आपकी मर्जी है, बाकी तो सब ठीक है। ये है आपका श्रीनगर का रेलवे स्टेशन, और अभी हम जाने वाले हैं यहाँ से आपका बारामूला। बारामूला में देखते हैं क्या रहेगा भाई, और बारामूला का नाम सुन के ही डर लगता है थोड़ा सा। तो फटाफट चलते हैं। ये ट्रेन जो है ना ऑन टाइम आती है और ऑन टाइम चल पड़ती है, ज़्यादा टाइम रुकती नहीं है। हमने टिकट ले ली है, टिकट हमारी पड़ी है ये 35 रुपीज की। बेकरी वगैरह आपको श्रीनगर के अंदर, कश्मीर के अंदर सारी जगह मिल जाएंगी। क्रीम रोल मेरा फेवरेट है, वो खाते हैं। वैसे यहाँ पे खाने पीने की दुनिया भर की चीजें, तो फटाफट अपना क्रीम रोल लेते हैं। पैसे दे दिए? नहीं है सर, हमारे तरफ से गिफ्ट। नहीं, काफी टेस्टी रहता है, बेकरी का फ्रेश फूड होता है यहाँ पे, ये खाना मैं प्रेफर करता हूँ। इस तरह की बेकरी से आपको ना सारी जगह मिल जाएगी। फिलहाल खाते हैं, क्रीम रोल मेरा फेवरेट है, फ्रेश बिल्कुल। वाह, स्टेशन काफी नीट एंड क्लीन है। आज थोड़ा सा मौसम थोड़ा खिला खिला, और हमारी अभी ट्रेन है 2:45 की, 15 मिनट बचे हुए हैं। सिर्फ 35 रुपीज की टिकट है, और अराउंड यहाँ से 50 किलोमीटर का डिस्टेंस है। रास्ते में अगर स्नो हो रही होगी तो यार दिन बन जाएगा सर। दारो सारे डब्बे कनेक्ट, ट्रेन छूट जाएगी तेरी, भाग 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 भाग। धन्यवाद जनाब। मैंने नोटिस करा यार, हर डब्बे में ना अलग अलग तरह के यहाँ पे वो बने हुए सीट, तो इसमें 8 डब्बे रहते हैं मेरे ख्याल से, और सारे डब्बों में अलग अलग तरह की सीट्स हैं। यहाँ अंदर हीटर चलता है, ये सबसे अच्छी बात है। फिलहाल तो बहुत ही मजा आने वाला है, और उम्मीद करूंगा कि रास्ते में बर्फ मिले तो और भी मजा आ जाएगा। तो अंदर बैठने के बाद बाहर निकलने का मन नहीं करता, ठंड इतनी ज्यादा है। और अब मैं देख रहा हूँ यहाँ पे दरवाजे भी लगे हुए हैं और हीटर ब्लोर इतने तेज तेज चल रहे हैं, पर मजा आ रहा है। मैं थोड़ा इंतजार कर रहा हूँ कोई बर्फ बर्फ दिखे यार। दिल्ली से जब आए थे और बनिहाल से हम यहाँ तक पहुंचे थे, इतने खूबसूरत रास्ता था, स्नो पड़ी हुई थी रास्ते में, मतलब मजा ही आ गया था। तो भाई लोग मिले थे, तो ये लोग दिल्ली घूम के आए हैं और हम इनके शहर में घूमने आए हैं। अमेजोन में काम करता है, अमेजोन भी यहाँ पे काफी अच्छा काम कर रहा है, मुझे लगता नहीं था कि अमेजोन यहाँ पहुंचा हुआ है। तो अभी बाहर आया तो चंद्र भैया बात कर रहे थे इतने खूबसूरत लड़के से, मतलब कश्मीर के लोग तो वैसे खूबसूरत होते हैं। एक हमारा वो एक नील नितिन मुकेश, बिल्कुल उसकी कॉपी लग रहा है, मतलब वो हीरो है, तो उसकी तरह लग रहा है भाई। क्या करते हो? पढ़ते हो? रहते कहाँ? सोपुर। मुझे इतना मालूम नहीं था, हमने श्रीनगर के बारे में पता था, ज्यादा आइडिया नहीं था कि आसपास बहुत सारी जगह हैं। अभी जैसे हम जा रहे हैं और बीच में बहुत बहुत सारे पॉइंट्स हैं, अभी भाई से पता चला इस स्टेशन का, बहुत सारी जगह अनएक्सप्लोर, मतलब टूरिस्ट के लिए नहीं कह सकते, नॉर्मली अगर आप घूमना चाहते हो, नई नई जगह एक्सप्लोर करना चाहते हो और वहाँ के लोगों से मिलना चाहते हो, जैसे हम भाई बंधु से मिल रहे हैं। बनिहाल से बारामूला तक टोटल 15 स्टेशन है, यानी 15 डिस्ट्रिक्ट लगते हैं छोटे छोटे छोटे, और इतनी सारी जगह यार घूमने की तो मुझे आइडिया नहीं था। हाँ ये जरूर है, जितनी बारी कश्मीर आएंगे हर बारी कुछ अलग घूमेंगे, अलग दिखाएंगे आपको। और यहाँ लगता है मुझे बारामूला मौसम थोड़ा खराब सा है, कि वापसी आता है शायद प्रॉब्लम हो सकती है, ट्रेन ना मिले तो शायद हमें वहाँ से सूमो में आना पड़े, बाकी जो भी रहेगा आपको पता चल जाएगा। बेसिकली क्या है, ये जितने इंजन वगैरह आके ना यहीं खड़े होते हैं और यहीं से चेंज वगैरह होते हैं, और एक्स्ट्रा जितने डब्बे वो भी यहीं पे होते हैं, मुझे आइडिया नहीं था। काफी बड़ा ग्राउंड है, काफी बड़े स्पेस में ये स्टेशन बना हुआ है, आप देखोगे तो आपको आइडिया हो जाएगा कितनी सारी पटरियां हैं और आगे तक पूरे ट्रेन ही ट्रेन खड़ी हैं।
पर हाल फिलहाल जो ये वाला रूट है प्लेन रास्ता है तो बहुत ही ज्यादा फास्ट चल रही है, बहुत ज्यादा स्पीड पे चल रही है, तो दरवाजे के पास खड़ा होना खतरनाक है। तो ये ऐप भाई ने खोली है, इसका नाम है कश्मीर रेलवे। अगर आप आ रहे हो तो आपको यहाँ के ट्रेन के रूट और टाइमिंग जानने हैं, सारी डिटेल यहाँ मिल जाएगी। तो अराउंड हमारे पास वहाँ पहुँचने के बाद मेरे ख्याल से 45-50 मिनट होंगे बारामूला, अगर हमने ट्रेन में आना है, और अगर ट्रेन में नहीं आना तो फिर तो टाइम ही टाइम है। ट्रेन पता नहीं यहाँ खड़ी हो गई और यहाँ काफी सारे भाई बंधु मिले। अपना नाम क्या है? जहांगीर। जहांगीर, यहाँ के लोग ना बड़े प्यार से बोलते हैं, सॉफ्टली बोलते हैं, आवाज थोड़ा कम आती है। महराज, तो इंट्रोडक्शन कराने का मतलब ये है कि भैया ये आईएएस की तैयारी करें। एग्जाम दिया कोई अभी तक? नहीं। एग्जाम वगैरह कब है? जुलाई में होगा। तो भैया कश्मीर से आईएएस की तैयारी कर रहे हैं। जो सुनने में नंबर्स हैं 10 लाख लोगों में 1000 लोग सिलेक्ट होते हैं, और मेहनत बहुत ज्यादा है, फिल्मों में देखा है आईएएस। तो नॉर्मली इसके लिए क्वालिफाई करने के लिए ग्रेजुएट होना चाहिए बंदा। ग्रेजुएशन के बाद मतलब आप पढ़ाई में बहुत स्ट्रांग हो गए, तो उसके बाद आपको एग्जाम देने की तैयारी करो, तो उसके बाद आपका नंबर आने के चांसेस कितने परसेंटेज चाहिए होती है, कुछ आइडिया? नहीं, परसेंटेज नहीं होती, टॉप मतलब टॉप के परसेंटेज वाले ही चाहिए ना, मतलब कोई परसेंटेज नहीं है। अच्छा, मतलब हाइट वगैरह कोई मैटर नहीं करती। 2014 के जो आईपीएस आईएएस जो है वो कश्मीर के ही है, तो भैया काफी मोटिवेशन मिलता है उन्हीं को देख के, शायद ये सारे प्रैक्टिस कर रहे हैं। तो भैया बेस्ट ऑफ लक आप लोगों को, और भैया व्लॉग में आ गए, कल को आईपीएस बनेंगे तो भैया ये व्लॉग जरूर देखना, मैं बताऊंगा भैया इन लोगों के साथ हमने व्लॉग बनाया था, आईपीएस होंगे तो भैया याद रखना, पढ़ने वाले बच्चे हैं भैया, कभी भी कुछ भी हो सकता है। जो फालतू में दिमाग लगाते ना, किससे किससे शादी कर ली, कोई कहाँ चले गया, उनके हाल कुछ और ही होते हैं। तो बाकी सब बढ़िया, बेस्ट ऑफ लक आप लोगों को यार। तो गाइस ये स्टेशन है माजूम, और यहाँ से बताया जा रहा है कि गुलमर्ग का जो दूरी है अराउंड 20 किलोमीटर रह जाती है, और टंगमर्ग का अराउंड 15 किलोमीटर। तो अगर आप आना चाहो तो स्टेशन के थ्रू, ट्रेन के थ्रू भी गुलमर्ग जा सकते हो। बहुत ही खूबसूरत लग रहे हैं, देखो कहाँ कहाँ तक कश्मीर बसा हुआ है यार। और ये जो घर दिख रहे हैं यार, लकड़ी के इतने बड़े बड़े बने हुए, ये करोड़ों में है। तो हम पहुंच चुके हैं बारामूला के अंदर यार, सच बता रहा हूँ बहुत ही खूबसूरत जगह है। और हम स्टेशन से जस्ट बाहर निकले हैं, मैं उम्मीद लगा के बैठा हुआ था कि स्नो पड़ेगी, पर यहाँ स्नो नहीं हो रही, बारिश हो रही है, पर पूरे पूरे चांसेस हैं स्नोफॉल होने के। और बहुत ही खूबसूरत खूबसूरत घर है यहाँ पे। मैं सोचा छोटे मोटे घर होंगे, भैया एक एक घर कम से कम करोड़ों का है, करोड़ों का। थोड़ा मौसम ठीक हो, मैं थोड़ा गलियों को एक अंदर एक्सप्लोर कराएंगे, मे भी शायद कोई पूछ ले भैया हमें कि चाय पानी पी लो, भैया कहाँ घूम रहे हो, तो पूछ भी सकता है भाई। तो सर बारिश रुक जाए, फिर चलते हैं आपको दिखाते हैं। और बहुत ही बेहतरीन, बहुत ही खूबसूरत। और यहाँ से अराउंड 4-5 किलोमीटर दूरी पर इनकी मेन मार्केट है, जहाँ के लिए हमें यहाँ पर लोकल गाड़ियाँ गुड़ियाँ मिल जाएंगी हमें यहाँ पे ना। हम यहाँ से मार्केट चलेंगे, गुरुद्वारे में माता जी भी देखेंगे, और घूम के भी आएंगे, और बारामूला की लोकल मार्केट भी दिखा के लाएंगे। बाकी सब बढ़िया। चंदर भैया तो अपने फेरन के फुल मजे ले रहे हैं यार, इसको देख के मेरा ही मन कर रहा ले लूँ, पर मैं सोचता हूँ यार फिर मैं क्या करूँगा, वैसे इतना मोटा सा लगता हूँ और इसके अंदर भालू लगूंगा, पर ये वाकई बहुत काम की चीज़ है। यहाँ पे सेब के बगीचे जगह जगह यार, समर में आएंगे तो समर में तो भैया सेब ही सेब नजर आने वाले हैं, लाइक स्पीति। अगर मैं स्पीति अभी पीछे गया था तो हर जगह सेब ही सेब थे। सो गाइस, मैंने चंद्र भैया की पहन ली है कैप, ठंड बहुत ज्यादा लग रही थी, बताना कमेंट करके मैं कैसा लग रहा हूँ। जनवरी का महीना और विंटर का टाइम है भैया, कश्मीर की खूबसूरती नेक्स्ट लेवल है, बस स्नो हो जाए तो भैया 4 चांद लग जाएंगे। बारिश थोड़ी सी रुकी है भाई, बारिश में भीगने का मतलब है बीमार होना है, तो वो हम बिल्कुल नहीं होना चाहते। तो बारिश की जगह अगर स्नोफॉल हो रहा था तो शायद हम फिर भी थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज कर लेते, पर बारिश में कॉम्प्रोमाइज करना समझ नहीं आता। और स्टेशन से बाहर निकलता है, यहाँ से मिलती है लोकल गाड़ियाँ, जो कि आपको लोकल बाजार जो है बारामूला का वहाँ तक लेके जाती है, अराउंड 15-20 रुपये लेती है। पर मेरा उससे पहले मन था कि यहाँ आसपास जो बहुत ही खूबसूरत खूबसूरत घर बने हुए हैं उनको एक्सप्लोर करने का, आसपास की गलियाँ, लोगों से मे बी शायद कोई हमें इनविटेशन दे दे, आ जाओ भाई हम आपको पिलाते हैं कावा, तो हो सकता है कुछ ऐसा, मे बी शायद हो भी जाए। तो इसलिए हम थोड़ा सा चाह रहे थे एक्सप्लोर कर लें इन चीज़ों को, पर देखते हैं लक क्या कहता है, बारिश दोबारा से इतना तेज़ हो जाए, हो तो फिर स्नो हो जाए तो मज़ा आ जाएगा। बारिश ने काम ख़राब कर दिया, ऊपर से ठंड भी बहुत ज़्यादा लग रही है, क्योंकि कपड़े गीले हो जाते हैं तो दिक्कत हो जाती है। फिलहाल पहुंचते हैं मार्केट में। तो गाइस लोग तो वाकई में बहुत अच्छे हैं, एक्चुअली जिस शेयरिंग गाड़ी में मारे थे वहाँ पे एक शख्स मिल गए थे पंजाबी, और वो रहते थे उरी। बेसिकली आपने मूवी देखी होगी उरी, मतलब बॉर्डर एरिया है, और वो वहीं पर स्टे करते हैं, वहीं रहते हैं, और लोकल थे। मेरी काफ़ी बातचीत हुई, उन्होंने अपना नंबर भी शेयर करा। और एक और शख्स मुझे मिले थे रेलवे स्टेशन पे, जिन्होंने अपना नंबर शेयर करा था, वो कश्मीरी पुलिस में करे, कोई प्रॉब्लम हो जाए तो मुझे फ़ोन कर दे रहा था, यानी लोग इतने अच्छे हैं। बाकी हम यहाँ पे ये जो बारामूला की मार्केट है वहाँ घूम रहे, फॉग देख रहे हो उसकी वजह, ये बिल्कुल सामने ये गली के उधर देखा रोड, वहाँ सामने, अबे आपको ना बीच में अड़ जाते हो, वो सामने पहाड़ है, वहाँ बर्फ़ पड़ रही है भाई,
और कल रात तक यहाँ भी बर्फ़ पड़ जाएगी। माइनस में टेम्परेचर है इस वक्त, बहुत ही खूबसूरत मार्केट है। थोड़ा बहुत एक्सप्लोर करते हैं क्योंकि मौसम ख़राब ना होता है डेफिनेटली, तो हम अच्छी तरह एक्सप्लोर करते हैं आपको दिखाते। और मेरा तो मन बन गया उरी जाने का। उरी जाने के लिए कह रहे कोई परमिशन की जरूरत नहीं है, आप इजीली जा सकते हो। तो उरी चलेंगे, घूम के आएंगे। -3 का टेम्परेचर, इतनी ठंड हो रही है रात तक यहाँ पे। -5, -8, -5 तो हमारा श्रीनगर में चले जाता रात को। -7 और -10 तक चले जाएगा। बर्फ़ अभी पड़ रही है तो यहाँ मौसम थोड़ा ख़राब हो चुका है। थोड़ा खाएंगे, एक्सप्लोर करेंगे बारामूला की मार्केट को। और सर अपना खुद का है पर्सनल यूट्यूब चैनल। मार्केट बहुत ही बड़ी और बहुत ही बढ़िया है, हर एक चीज़ यहाँ पे मिल रही है। हम तो छोटी मोटी जगह सोच रहे थे, काफ़ी बड़ी पॉपुलेशन यहाँ रहती है। सर कितने लोग रहते हैं यहाँ पे? 3-4 लाख लोग, काफ़ी बड़ी पॉपुलेशन है। और सरदारों, मैं जब स्टेशन से उतरा था और बाहर देख रहा था ना, जो घर बने हुए थे लोगों के, ज़बरदस्त, मतलब काफ़ी पैसे वाले लोग यहाँ रहते हैं कहा जाए तो। हाँ जी, ऐसा है ना सर। मार्केट भी बहुत रिच है, मतलब काफ़ी हरी भरी, मतलब भरी हुई मार्केट है। काफ़ी सारी चीज़ें, काफ़ी वैरायटी, इवन ब्रांड्स तक यहाँ पे। तो भैया मैं देख रहा था ठंड में ऐसे पकोड़े खाने मन करता है, पर ये मैं देख रहा फिश पकोड़े बिक रहे हैं। और ये फिंगर फ्राइज वगैरह, ये छोटी वाली फिश का पकोड़ा है, ये बढ़िया यार। इसको ऐसे खा जाते हैं कच्चा? जी जी जी। आंख वाँख सब ऐसे घट, अरे गरम करके देखिए, इसमें कांटा वांटा जाता है। कश्मीरी मछली है, कश्मीरी मछली इसका कांटा है। कश्मीरी मछली है, क्या कॉस्ट रहता है इसका? 100 का पाव। भाई पकोड़े देखने बहुत टेस्टी लग रहे हैं, तो क्या कहते हो खा लेते हैं फिर। तो लगे यार ठंड भी बहुत हो रही है, -3 का टेम्परेचर है और सामने जस्ट ये समझ लो 100 मीटर की दूरी पे बर्फ़ पड़ रही है और यहाँ भी पड़ने वाली है। तो बस इसी का मज़ा लेने आए थे, थोड़ा सा घूमते घुमाते और दिखाते हैं आपको। बनाओ जी फिर एक पकौड़े खा लें थोड़े से। तो एक टाइम करना थोड़ा थोड़ा ना, ये जैसे ये वाला हमने नहीं खाया कभी, एक दो पीस ये डाल देना। बताए थे ज़्यादा घूमने वाले, मौसम चेंज हो रहा है, बारिश हो रही थी, तो इसलिए इस वक्त तो निकल के जा रहे हैं। वापसी आएंगे दोबारा और प्रॉपर घूमेंगे, एक्सप्लोर करेंगे बारामूला। मुझे उम्मीद ही थी कि यहाँ पे इतना बड़ा मार्केट है, इतना बड़ा क्राउड है और इतनी ज़्यादा पॉपुलेशन रहती है। आगे थोड़ा दूर पड़ता है उरी, 47 किलोमीटर है यहाँ से, शायद वो भी कवर करेंगे, टाइम से आएंगे। अभी पकौड़े खाते हैं, ये नदरू कह रहे हैं, ये एक लोटस की रूट है, टेस्टी है। तो बारामूला से हम उस गाड़ी में बैठ गए थे, उसके बाद उन्होंने हमें बारीपुरा बस स्टैंड उतार दिया। बारिश ने आज बहुत परेशान कर रखा था। गाइस खाना खाने आ गए, भूख बहुत ज्यादा तेज लगी थी और ठंड हो गई थी, एक्चुअली काफी लेट हो गए थे। रेस्टोरेंट खुला हुआ है। सो गाइस फाइनली हम पहुंच गए अपने रूम में। जितने लोग हमें मिले ना, काफी हेल्पिंग पर्सन मिले। हम बारिश हो रही थी, हम वापसी आ गए, मतलब लोग यहाँ के इतने इंटरेस्टिंग, इतने अच्छे हैं कि यार हमारा सफर आज का ऐसे ही रहा। मतलब हम गए थे ट्रेन में सोच के कि बहुत कुछ होगा, पर हुआ कुछ नहीं, टाइट टाइट फुस हो गया, पर जो भी रहा इंटरेस्टिंग रहा, मजा आया। अब आगे का क्या रहने वाला आपको आगे पता चलेगा। आज के सफर को यहीं तक रखेंगे, बस लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर कर देना, भाई को सपोर्ट कर देना और इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लेना। मिलते हैं अगली वीडियो में गाइस, बाय 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 बाय, बने रहना। बाय 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 बाय, ये तो धमका रहा है, चलो कर देना, कोई बात नहीं। बाय 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 बाय।